हाय गाइस, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक इक्विटी चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ओप्पो रेनो 11 प्रो 5G में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको सेटिंग में ना, सो गाइस सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्क्रीन लॉक एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फिंगर को फिंगरप्रिंट सेंसर पर रख देना है। सो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से अपने फिंगर को फिंगरप्रिंट सेंसर पर रख दिया। रखने के बाद यहाँ पे आपको अपने फिंगर को ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप एक ही फिंगर या फिर अलग अलग फिंगर्स को भी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपने फिंगर को ऐड कर लिया है। ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको अगेन अपने फिंगर को फिंगरप्रिंट सेंसर पर रख देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा फिंगरप्रिंट मेरे फोन में ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करते आपका फिंगरप्रिंट लॉक आपके फोन में सेट हो जाएगा। अब मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा कि मेरा फिंगरप्रिंट लॉक मेरे फोन में सेट हुआ है कि नहीं हुआ। चेक करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, इस तरीके से मैं अपनी फोन की होम स्क्रीन पे आ गया हूं। यहां मैंने अपने फोन को ऑफ किया। ऑफ करने के बाद यहां मैंने अपने फिंगरप्रिंट से फिंगरप्रिंट लॉक को ओपन कर लिया। सो गाइस, इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट लॉक सेटिंग कर सकते हैं। और गाइस, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।